बंद है, बंद है। कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि कानून वापस। ये आंदोलन है भारत के शरीक जो 70% की आबादी किसान पर खेती पर निर्भर है उसके साथ भेदभाव हो रहा है। जिनको करना चाहिए खेती वो कर रहे हैं आंदोलन। जो अन्नदाता है उन पर बौछार पानी का बौछार आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। ये कहाँ कानून है जो देश को चला रहा है? जो अगर आज खाना बंद हो जाएगा तो देश के सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन ये भूखा पेट आज आंदोलन कर रहा है। पूरे लाखों लोग दिल्ली के कुछ कर गए हैं और डेरा डाले हुए हैं 11 दिन से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये मोदी, अमित शाह और कृषि मंत्री तीनों मिलकर देश के किसानों के साथ गुमराह कर रहे हैं। ये हिटलरशाही कानून है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। इसको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी। अभी तो अंग्राई है, लड़ाई बाकी है। अभी देखिए तो पूरा किसान के साथ भेदभाव रहा है, उनके साथ आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, बम के गोले दागे जा रहे हैं। ये क्या नियम है? जो किसान खेती करके देश को खिला रहा है उसके साथ भेदभाव? ये नहीं कानून चलेगा। कृषि मंत्री कहते हैं कि वापस नहीं होगा। क्या आपको वापस नहीं होगा? आपको खाना बंद हो जाएगा तो क्या करिएगा? तो इसलिए हम लोग के साथ किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों का मांग जाया जाए, उनकी हर मांग विचार किया जाए। ये हिटलरशाही कानून है, काला कानून को वापस लिया जाए तो आंदोलन होगा। कितने अधिक समर्थन है आज? आज सभी पार्टी, विपक्ष पार्टी हमारा भारत बंद का किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि अन्नदाता है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब अन्नदाता नहीं रहेगा तो देश क्या करेगा? इसलिए हम लोग अन्नदाता के साथ है, किसानों के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार किसानों के साथ है, भाई तेजस्वी, लालू राबड़ी सभी लोग का समर्थन, और विपक्षी में वाम दल, कांग्रेस, सपा, बसपा सब साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।